हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक। और तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट, ये क्लास 12 नीट जेई मेंस वगैरह में आते हैं क्वेश्चन। तो क्लास 12 में भी बिहार बोर्ड में आते हैं, तो उनकी तैयारी आज हम लोग करवाएंगे इस प्लेलिस्ट में। हम लोग नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमोंग दी फ्लोइंग विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। तो बताइए, 5 सेकेंड आपके पास है, आप जल्दी से बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है और क्यों लगता है, आप ये कमेंट में बताइए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, SeFO एंड CH4 हैव सेम शेप। नो, दोनों का शेप सेम नहीं होता। CHO4 टेट्राहेड्रल है एंड SeFO4 सीसॉ शेप है। आपको आंसर यहाँ दिखेगा, ये है आंसर, SeF4 हैज यू शेप शेप वेयर एज CH4 इज टेट्राहेड्रल। तो आपके सामने दूसरा आंसर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द पेयर ऑफ आयंस बोथ स्पीसीज कॉन्टेंट्स SS ब्लॉक। तो बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर SS बॉन्ड बनता है। बताइए, S4O6 2- या S2O3 2- या S2O7 2- या S2O8 2- S2O8 2-, बताइए कौन सा होगा। जहां तक तो मुझे पता है, S4O6 2- में 4S बॉन्ड बनते हैं SS का, एंड S2O3 भी बनता है, S2O8 नहीं बनता, उसमें SS ब्लॉक नहीं होते, एंड S2O7 में भी नहीं बनता। तो सही ऑप्शन जा रहा ऑप्शन ए। देखिए देखिए, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है SS 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 का, और यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है SS का, मतलब ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बताइए कौन सा ऑर्डर सही है, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। Br2 I2 F2 Cl2, सबसे आगे Br2 नहीं, सबसे आगे बताइए बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी बताइए। तो सबसे आगे होगा Cl2, क्योंकि इसका F2 का जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इसके लिए वो दूर हो जाएगा एंड बॉन्ड डिसोसिएशन लेस होता है इसके लिए। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इनथैल्पी कम होता है। तो Cl2 Br2 F2 I2, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फ्लोइंग। बताइए, HCl4 H2SO3 H2SO4 HClO3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए HClO4। HClO4 क्यों है, तो HClO4 इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 होता है, इसलिए ये ज़्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रगल, ऑप्शन ए बी सी डी बताइए जल्दी। कौन सा दो मॉलिक्यूल है, दो पेयर है जिसका स्ट्रक्चर सेम है, जल्दी बताइए, ड्रॉ करके देख लीजिए, ड्रॉ से पता चलेगा, डायरेक्ट आंसर कभी कभी दिक्कत हो जाता है, जल्दी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी Br(O3- एंड HClO3। इसका जो स्ट्रक्चर है पिरामिडल होता है, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। देख रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है तीनों का सेम, दोनों का सेम होता है, या लोन पेयर है, तीन बॉन्ड है, स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजेशन पावर इज, ऑप्शन ए बी सी डी
जल्दी बताइए। तो टाइम खत्म होता है, आपका आंसर है ऑप्शन बी, HOCl सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा HOCl सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पावर होता है। एंड HClO4 सबसे वीकेस्ट होते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन पावर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन बी HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ऑक्सीडाइजेशन स्टेट जितना इंक्रीज होगा वैसे ही एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीडाइजेशन स्टेट किसी का 7-8 जा रहा है तो एसिड स्ट्रेंथ भी 7-8 जाएगा, जितना इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ऑक्सीडाइजेशन स्टेट इंक्रीजेज, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 8, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेशन एजेंट, Br2, I2, Cl2, F2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी आंसर इसका। तो ऑप्शन डी, F2 इज अ बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फ्लोइंग स्पीसीज इज, ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए जल्दी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, Cl O2- Cl2O, Cl O2। इसका जो है बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है, इसलिए देखिएगा Cl O2- को अगर बनाइएगा तो उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होता है, फिर Cl2O बनाइएगा तो उसका जो एंगल ज़्यादा होगा, फिर Cl O2 बनाइएगा तो उसका भी एंगल ज़्यादा होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, कौन से रिएक्शन से सल्फाइड ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये तो बहुत ही जी आपको देखते समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर आपके सामने है, F2CO43 से बनता है F2O3 एंड 3SO3। देखिए यही बोल रहा है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना SO3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका अपकमिंग क्वेश्चन आएंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड स्टे ट्यून।